किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, आज मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। ये हमारी बकरियाँ हैं और धूप में छोड़ने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए। धूप में छोड़िएगा, बाहर निकालिएगा, कुछ ये घूमे फिरेगा तो क्या है कि उसका एनर्जी पावर इंक्लूड होता है। दूसरी बात है, शरीर में ताजगी आता है और कहने मतलब ये है बकरियाँ तंदुरुस्त और मस्त रहती है, तो उछल कूद होता है। तो मेरा डेली का वर्किंग यही है, डेली में 2 से 3 घंटा इन लोगों को बाहर खुले में मैं छोड़ता हूँ। और 2-3 घंटा कहने मतलब ये है कि जो भी है थोड़े बहुत हरे चारे मतलब जो पत्ते उत्ते मिल जाए तो इनके लिए नाश्ता हो जाता है। रही बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक बंगाल तो दिख ही रहा है, दूर से ही आप लोग को पता चल ही जा रहा होगा। उस साथ में बर्बरी है और साथ में मेरा बोर भी है और देखते होंगे कि उस्मानाबादी है, तो कहीं से हमारी बकरियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब अपनी तंदुरुस्त है और हर तरह से सही है। तो ये मेरा बाहर का एरिया है जो फार्म के बाहर का, तो मैं बाहर इन लोग को साथ में मैं देखिए ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में आप दिख रहे होंगे, तो ये बर्ड का पत्ते है। तो बर्ड का पत्ता हो गया, दुधारू पत्ता, पीपल का पत्ता हो गया और गुलर का पत्ता हो गया और रही बात है जामुन का पत्ता हो गया, ये सब चीज़ें पत्ते में इन लोग को अवेलेबल कर रहे हैं। हमारे यहाँ सखुआ भी अवेलेबल है, महुआ भी अवेलेबल है, तो उन लोग के उसके भी पत्ते में इन लोग को अवेलेबल करवाता हूँ डेली। मतलब जंगल से एक साइकिल यानी बोलेंगे तो हमारे देहाती में एक बोझा यानी एक साइकिल में जितना भी पत्ते आ जाए वो पत्ते में इन लोग के लिए लेके लाता हूँ और इन लोग को देता हूँ। और कुछ अपने पेड़ पौधे बगल में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लगे हुए, तो उसमें से ये लोग चुन चुन के अपना खा लेते हैं। तो इस तरह इनमें ताजगी रहती है और कहीं से इन लोग को दिक्कत नहीं होता है और खुले में थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, आपस में शरारत मस्ती भी करते हैं। तो यही सब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी बकरियाँ कहीं से भी दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है सबके सब। और रही बात ये है कि जैसे ही पत्ते इन लोग के सामने आते हैं तो लूज जाते हैं, झूल जाते हैं। देखिए यही सब चीज़ें हैं, बाकी आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये मेरा जो सामने जो दिख रहा है ये बोर का जो ब्रीडर आया था, इसी के ऊपर मैं पिछला वीडियो जो डाला था इसी को प्रॉब्लम था, इसलिए मेरे को बचाने में 8,000 रुपये समथिंग लग चुका है, इसलिए लग चुका है कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम। लेकिन कहने मतलब यही है कि लोग बोलते हैं कि आपको सीख नहीं है, आप फार्मर नहीं है, आपको पता नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, हम ट्रेडर से भी बकरियाँ लेंगे तो हम उसको बचा लेंगे। भाई मरने तो हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहने मतलब इतना प्रॉब्लम में अगर मान लीजिए हम थे तो हमने उसको सर्वाइव करवाया, किसी तरह हमने उसको मैनेज करवाया, किसी तरह हमने उसको क्या कहते हैं ये सेटल किया। लेकिन कहने मतलब कि बिल्कुल अनजान जो किसान है जो कहीं से बाहर से बकरियां देख के ले आए और फिर उसके साथ ये सब प्रॉब्लम आए तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, किस तरह मैनेज करेगा, किस तरह उसको कहने मतलब अपने मौसम के अनुसार ढालेगा। इतना तो कोई नहीं करेगा ना, उसको देखा मर रहा है तो मरना तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो यही सब मेरे को बोलना था वहाँ पे और कुछ नहीं बात थी कि भाई किसी से ले तो सोच समझ के और तरीका से ले। हमने जो गलती किया वो आप गलती ना करें, हम जो गलती अपनी गलती को हम इसलिए वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि मैं ये कर चुका हूँ और फिर से अगर आप दोहराइएगा तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो वही चीज़ें थी कि हम मैं किया हूँ और आप ना करें, इतनी सी बात थी उस वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे 3-4 बकरियाँ जो है जो हमारे CIRG से आया हुआ है वो भी देख रहे हैं और आपस में देखिए वो क्या कहते हैं जो अपना अभी मेरा ब्रीडर है बोर का वो और साथ में जो कहने मतलब ये है कि बर्बरी का ब्रीडर है वो, दोनों आपस में देखिए वहाँ संग्राम चालू हो गया है। तो ये मतलब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बकरी हीट में आई थी तो वो बोला था मैं जाऊंगा, वो बोला था मैं जाऊंगा। तो वही है कि जिससे आपको क्रॉस करवाना होगा उसी को उसके साथ में छोड़िएगा, क्योंकि बकरी अपनी अब चॉइस करती है। देखिए ये हीट में आई है तो इसके चक्कर में ये क्या कहते हैं उस्मानाबादी का ब्रीडर भी है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरे को जिसको करवाना होगा क्रॉस उससे मैं क्रॉस करवाऊंगा और जिससे नहीं करवाना होगा उसको मैं रस्सी डाल के बांध दूंगा कहीं भी, तो उससे क्या वो शांत हो जाएगा और जिसको जिससे काम लेना होगा अपना काम कर लेगा। देखिए अब इसको मेरा छोटा वाला भाई जो है वो बांधने जा रहा है, जानबूझ के बांधने जा रहा है, क्योंकि आप दो तो लड़ रहे हैं, तीसरा फिर लड़ने लग जाएगा तो और दिक्कत है। तो यही सब चीजें और लेकिन इन लोग का जब लड़ाई होता है तो लहू लुहान खूनखार लड़ाई होता है ये जान लीजिएगा, और देखने वाले प्रदर्शनी लोग देखते रहते हैं। अब इस क्लिप में देखिएगा कि साइड में पूरा जबरदस्त सब लोग देख रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं और देख रहे हैं, खाना पीना छोड़ के देख रहे हैं। तो ये सब चीजें भी है, तो ये कुछ
ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, बस एक मस्ती के तौर पे लोग लड़ रहे हैं। तो वही है कि मेरे को अब इससे क्या बोलते हैं, बोर से नहीं लेना है, क्योंकि अभी बोर बीमारी से हटा है और बीमारी से उठा है, तो उस पे मैं उसको सर्वाइव करवाने बहुत टाइम लग गया। इसके नाम से मैं उस बोर से कोई क्रॉस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बोर भी एकर्षित है और पूरा एगर्सन में है, तो बोर से मेरे को नहीं लेना। बोर भी अपना पूरा बखूबी जो भी रोल है उसको निभा रहा है, लेकिन उससे मेरे को नहीं लेना है, इसीलिए मैं बोर को बांध दूंगा। थोड़ा सा ये क्लिप बनाना था, इसके नाम से मैं छोड़ दिया हूँ और हटेगा नहीं। अब मेरे को यहाँ पे लेना है, ये क्या कहते हैं, बरवरी से ही काम में लेना है, तो बरवरी को ही छोड़ूंगा। और बरवरी में मतलब ब्रीडर में देखा जाए तो बरवरी ज़्यादा ही एकर्षित है, एगर्सन भाव और कैसे मतलब एक्टिविटी और हर तरह का उसमें जो गुण होना चाहिए वो बखूबी गुण है, कहीं से उसको दिक्कत नहीं है। एक दिन में वो तीन तीन चार चार पांच पांच मीटिंग भी कर लेता है, कहीं से उसको प्रॉब्लम नहीं है। और दाना मिक्सचर में मैं कमियां नहीं करता हूँ। और रही बात ये है कि उसको खाना पीना में भी कहीं से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जितना अच्छा खाना देंगे भाई, खिलाएंगे तो हमको आएगा, आज खिलाएंगे तभी कल हम लेने की कोशिश करेंगे और हम कुछ उस पर पा सकते हैं, और नहीं अगर खिलाएंगे तो कहाँ से पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको तो खिलाना, इन्वेस्ट करेंगे तभी हम उन्हें अर्निंग करेंगे, अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगा। तो सिंपल है कि अपने जानवर को जितना हो सकते जहाँ तक हो सके अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें, और खिलाएंगे तो पाएंगे, इतनी सी बात है। और मैं क्या बोलूँ इसमें, आपके सामने जो है हर मोमेंट और हर तरह का सिचुएशन आप देख रहे होंगे। और रही बात यह है कि ज़्यादा ना बोलते हुए अब देखिए, ये इस साइड में सारे के सारे प्रदर्शनी लगे हुए हैं, इधर भी मस्ती कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल उमड़ घुमड़ रहा हो तो उस पर कॉमेंट जरूर करें, कॉमेंट कीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाने की, और मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कोई भी क्या कहते हैं जानकारी आपसे मिस ना हो। मैं राजेश कुमार दांगी, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।